प्रॉफिटेबिलिटी किसान के बजाय किसी और की सुनिश्चित की गई। पहले वोट के लिए वादा और फिर छल, यही खेल लंबे समय तक देश में चलता रहा है। फसल ऋण माफी की सबसे सफलतम योजना उत्तर प्रदेश के अंदर की रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1,57,00,000 से अधिक किसान प्रदेश के लाभान्वित हुए हैं। किसान के ऊपर इतना अन्याय किसी सरकार ने नहीं किया होगा। किसान पर ऐसी लाठी, इस तरह का व्यवहार, इस तरीके से आतंकी हमला किसी सरकार के माध्यम से नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने किसानों को कभी भरोसा दिलाया था कि अगर सत्ता में आ जाएंगे तो कर्ज माफ नहीं करेंगे, बल्कि जो भी खेत में पैदा होगा उस पैदावार की कीमत बढ़ करके देंगे और ऐसा समय लाएंगे जिसमें हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। देश की सभी पार्टियों की रगरग में ये डीएनए है कि चुनाव के समय में वो किसान, मजदूर और दलितों पिछड़ों को भगवान बना देते हैं। इस फितरत से दिल्ली की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार भी अछूती नहीं है। ये दोनों भी किसानों को चुनाव में अन्नदाता भगवान बताकर उनका वोट लेते हैं, उन्हें रिझाने और पटाने के लिए उनके आंगन में बैठकर उनके साथ खाना खाते हैं, वादा करते हैं कि अगर वो उनको वोट देंगे तो उनकी सरकार बनेगी और जब उनकी सरकार बन जाएगी तो फिर किसान मालामाल हो जाएगा। वो ऐसे नए नए नियम ला देंगे जो 70 सालों में पहले कभी नहीं हुआ था। छप्पर फाड़ कर धन बरसेगा, उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। लेकिन सत्ता में आने के बाद वही अन्नदाता भगवान नहीं रह जाता, क्योंकि वो सरकार से अपना हक मांगने लगता है, उनके वादों की याद दिलाता है, तब सरकारें अपना असली रूप दिखाती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आकर सरकार का कहीं जनाजा न निकाल दे, इसलिए इस तमाशे को रोकने के लिए दिल्ली आने जाने वाली सड़कें रातों रात खोद दी जाती हैं, बैरिकेडिंग कर दी जाती है। दिल्ली के बॉर्डर पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की ऐसी पूरी पलटन तैनात कर दी जाती है कि मानो सरकार से किसान नहीं बल्कि पाकिस्तान के आतंकवादी मिलने आ रहे हैं। उन्हें पीटा जाता है, उन्हें घसीटा जाता है। चुनाव के समय अन्नदाता में भगवान देखने वाले नेताओं के हुक्म पर उन्हें कदम कदम पर जलील किया जाता है। इस बार भी किसानों के साथ यही हो रहा है। वो सरकार से जानना चाहते हैं कि ऐसा नया कानून क्यों बना दिया कि वो अपने ही खेत की फसल को सीधे नहीं बेच सकते, क्यों उनके फसलों पर एमएसपी का हक मारा जा रहा है, ऐसा कानून सरकार क्यों लेकर आई है कि उन्हें अपने ही खेत पर मजदूरी करने की नौबत आन पड़ी। लेकिन इस जुल्मो सितम के बाद भी सरकार किसानों के घाव पर ये कहकर नमक छिड़कती है कि वो दूसरी पार्टियों के बहकावे में आ गए हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहे जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं, वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है। पिछले 7 दिनों से हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी पीड़ा को सुना जाए, उनके घाव को देखा जाए। सरकार के नए कानून से उनका पोर पोर दुख रहा है। ये हिंदुस्तानी है या ये कोई और देश के? अरे भाई, पाकिस्तानी बोलते, ये बोलते हैं, ये कुछ भी बोलो, इनके बोलने से कुछ नहीं होता। हम एक बात पूछना चाहते हैं भाई, कानून बनाया किसान के लिए तो बनाना चाह रहे हैं और किसान उस चीज से नाराज है, तो फिर ये क्यों बनावा है भाई?
इन्हें कौन सा फायदा है भाई बनाने का। हम मुख्यमंत्री से भी प्रधानमंत्री से भी ये कहना चाहते हैं, इन अब भी सतबुद्धि आ जा और जो हम घर चले जाने, एक महीना हो जाए चाहे हमारा राशन पानी पूरा लाए हैं हम, हट कर नहीं जाने के कितने भी दिन हो जाए, अब की बार जो हम जो अपनी मांग पूरी करवा के जाएंगे। पतियों की तिजोरी भर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की जो तमाम सरकारी महकमे उनका निजीकरण किया जा रहा है उन्हीं के हक में। बीच में थोड़ा किसान के पास ये जमीन का टुकड़ा बचा हुआ था जिससे किसान अपना रोटी खा के अपना पेट और अपने बच्चों का पेट पाल रहा था, इस पूरे हिंदुस्तान को खाना खिला रहा था। आज उसके ऊपर भी डाका डालने के लिए उन्हीं पूंजीपतियों को उनकी जमीन को भी उनके हवाले करने को उतारू है। आंदोलन में जो डटे हुए हैं किसान, उनकी छाती के ऊपर जैसे आदमी की छाती के ऊपर कोई भारी वजन रख देते हैं, इस तरह आज किसान इस मोदी के ऊपर छाती के ऊपर बैठे हुए सरकार अपनी आंखों से उसके दर्द को देखे। जाहिर है कि विपक्षी पार्टियां ऐसे मौके पर राजनीति करेंगी और ये सियासत का तकाजा भी है, लेकिन किसान अपने आप को किसी भी पार्टी के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहते। वो साफ कहते हैं कि वो किसान हैं ना नहीं, उन्हें राजनीति से क्या लेना देना, उन्हें मतलब है तो सिर्फ अपनी खेत खलिहानी से। बातचीत हुई कि क्या क्या संशोधन होने हैं बिलों में, तो हम कल बना के अपना एक ड्राफ्ट दे देंगे इनके पास में भिजवाएंगे, और पूर्ण रूप से ये है कि ये वापसी हो, इसमें संशोधन हो। तो एक बातचीत का दौर शुरू हुआ है, पंजाब के किसानों से भी मीटिंग हुई है, और जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे दिल्ली के किसान यहाँ पे है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, तो सब लोग यहाँ पे आए, और दो दिन बाद में फिर बातचीत होगी, एक दौर चलेगा। कल सरकार भी अपना पूरा मंथन कर लेगी कि उनको क्या करना है, और किसान भी अपनी पूरी तैयारी बातचीत की भी कर रहा है और आंदोलन की भी कर रहा है। किसानों और मजदूरों की जिद के आगे बड़ी बड़ी सरकारों को झुकना पड़ा है, क्योंकि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है कि जिद वाली भावना के साथ जब जब किसान सड़कों पर उतरा है तब तब आसमान को झुककर धरती को सलाम करना पड़ा है। कुछ यही हाल इस सरकार का भी है। अब सरकार कह रही है कि नए नए कानून में किन किन बिंदुओं पर किसान को एतराज है वो बताए, सरकार उस पर विचार करेगी। हम लोगों ने किसान यूनियन के नेताओं से कहा कि एक छोटा ग्रुप बना लें और क्लॉज बाय क्लॉज एक्ट पर डिस्कशन कर लें तो ज़्यादा सुविधा होगी। उन सब लोगों को ऐसा लगता था कि जितने लोग आज बैठक में उपस्थित थे सभी लोग एक साथ चर्चा करेंगे तो ठीक है, सरकार को इसमें आपत्ति नहीं है, हम सबके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। बस सिर्फ इन कानूनों में अपनी मेहनत की उपज का सही दाम चाहते हैं, ये उनका बुनियादी अधिकार है। आज जब अनाज मंडियां खत्म कर दी जाएगी, जमाखोरों को अनाज जमा करने की खुली छूट दी जाएगी, किसान भाइयों की जमीनें खेती के लिए पूंजीपतियों को सौंप दी जाएगी, तो करोड़ों छोटे किसानों की रक्षा कौन करेगा? किसान के ऊपर इतना अन्याय किसी सरकार ने नहीं किया होगा। किसान पर ऐसी लाठी, इस तरह का व्यवहार, इस तरीके से आतंकी हमला किसी सरकार के माध्यम से नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने किसानों को कभी भरोसा दिलाया था कि अगर सत्ता में आ जाएंगे तो कर्ज माफ नहीं करेंगे, बल्कि जो भी खेत में पैदा होगा उस पैदावार की कीमत बढ़ करके देंगे और ऐसा समय लाएंगे जिसमें हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। लाठी डंडे चलाने की, ठंडी में पानी की बौछारें चलाने की अगर है तो उससे किसान मानने वाला नहीं है। किसान को ये काला कानून वापस चाहिए कर लेना, और उसके लिए मोदी सरकार तैयार नहीं होती तो आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। तो इसलिए इसको अहंकार और तानाशाही का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर किसान बुराड़ी ग्राउंड में नहीं आना चाहते तो उनको जंतर मंतर पे परमिशन दे दीजिए आप। मोदी 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 मोदी।
ये हाल तब है जब सरकार एक और किसानों का खैरखा बनने का दावा करती है तो दूसरी तरफ खेतों में पराली जलाने पर प्रदूषण फैलाने के नाम पर 500 किसानों को जेल में ठूंस देती है। आज दिल्ली की सरहद पर खड़ा देश को पेट भरने वाला किसान तमाम कष्ट सह रहा है, लेकिन जिद है कि अपने हक के लिए आसमान को झुका कर ही दम लेगा। वरना सरकार समझ ले कि दुर्बल को न सताइए, वाकी मोटी हाय, बिना सांस की चाम से लौह भस्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नोएडा।